असलम क्लास फाइव होप सो यू आर वेल एंड गुड जैसा कि आप लोगों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आज हम लोग लैक्चर नंबर वन से स्टार्ट करेंगे सलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में सिर्फ चैप्टर नंबर फोर है ठीक है तो जब हम लोग चैप्टर नंबर फोर ही करेंगे अगर इसमें कुछ चेंजेज़ फर्दर होंगी तो आपको इतला कर दी जाएगी चैप्टर नंबर फोर इज़ मल्टी मीडिया सबसे पहले व्हाट इज़ मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया है क्या द वर्ल्ड मल्टीमीडिया इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है जिसमें मल्टी एंड मीडिया दो वर्ड्स हैं मल्टी मीन्स मैनी और मल्टीपल यानी बहुत ज़्यादा और मीडिया मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे हार्डवेयर जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज होते हैं सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मीडिया इन मल्टीमीडिया मीडिया का मतलब क्या है मल्टीमीडिया में द आंसर इज ऑन पहला बिल्कुल पेज पेज नंबर फोटी टू और उसमें पहले पहला ग्राफ में ही है मीडिया रेफर्स टू ऑल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट आर यूज्ड टू पास ऑन इंफॉर्मेशन मीडिया का मतलब ही ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे हार्डवेयर है जो कि इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए यूज़ होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों के फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है ओके स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ मल्टी मीडिया कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाले मल्टी मीडिया में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं हमारे कंप्यूटर में वो हम लोगों ने नाम बताने हैं इसका आंसर भी पेज नंबर फोर्टी टू पे सेकेंड वाले पैराग्राफ में मल्टी मीडिया सिस्टम मल्टी मीडिया कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दीज कंपोनेंट्स जो चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है सिर्फ वही इसके आंसर्स हैं सी और डी रोम ड्राइव साउंड कार्ड माइक्रोफोन्स स्पीकर और हेडफोन डिजिटल कैमरा एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये इनके मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया के पांच एलिमेंट्स कौन कौन से हैं तो क्लास आप लोग यहाँ पेज नंबर फोर्टी टू पर लास्ट पैराग्राफ में देख रहे होंगे एलिमेंट्स ऑफ मल्टी मीडिया ठीक है एलिमेंट्स ऑफ मल्टी मीडिया हम लोगों ने बताने हैं डायग्राम में आप लोग को शो हो रहा होगा कि यहाँ पे पांच एलिमेंट्स दिए हुए हैं टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एंड एनिमिनेशनस ठीक है अगर आप चाहें तो यही नाम लिख सकते हैं वरना आगे टॉपिक्स बने हुए हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो एनिमिनेशंस एंड वीडियो ये सिर्फ इनके नाम ही आप लोगों ने लिखने हैं जो कि एलिमेंट्स हैं मल्टी के सो क्लास द फोर वन क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर डू यू सी टू टू डू यू यूज़ टू लिसन टू ऑडियो फाइल्स हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग अपने सिस्टम में ऑडियो फाइल्स को सुनने के लिए इसका आंसर आपको पेज नंबर फोर्टी थ्री पर मिलेगा जहाँ पर ऑडियो का पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है क्विक टाइम रियल क्विक टाइम ये एक सॉफ्टवेयर है रियल प्लेयर ये दूसरा सॉफ्टवेयर है एंड विंडो मल्टीमीडिया विंडोज मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा ये तीन सॉफ्टवेयर्स के नाम इन्होंने बताए हुए हैं जो कि हमें यूज हमारे लिए यूज़ होते हैं ऑडियो ऑडियो सुनने के लिए क्लास आप लोगों का लास्ट वन क्वेश्चन है डिफाइन एनिमिनेशन एनिमिनेशन क्या चीज़ इसका आंसर भी आपको पेज नंबर फोर्टी थ्री पे लास्ट हो पैराग्राफ है एनिमिनेशन एनिमिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्टैटिक इमेज इन टू मोशन एनिमिनेशन ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने कार्टून्स देखे होंगे हमारे कार्टून्स जो है इनको एनिमिनेशन से ही कहा जाता है ठीक है एनिमिनेशन उन चीज़ को कहा जाता है कि हमारे पास एक स्टैटिक बिल्कुल साकिन कोई तस्वीर है और हम उसको हरकत में ले आए लाइक like हमारे पास कार्टून्स होते हैं जो कार्टूंस बनाते हैं एनिमेशन मेकर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सिंपल सी पिक्चर को लेकर उसको मोशंस देते हैं ताकि वो हिले जुले और हमें कार्टून्स मिल जाते हैं इस तरह फर्दर हमारे पास बहुत ज़्यादा एनिमेशन यूज़ होते हैं टू डी में थ्री डी में ठीक है तो फर्दर इसका आंसर यही है एनिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्टैटिक इमेज इंटू मोशन क्वेश्चन नंबर फाइव शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है आज का आप लोगों का क्लास यही आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है ठीक है पांच क्वेश्चंस आप लोगों ने याद करने हैं इनको लर्न करना है इनको होमवर्क भी करना है ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज़